भाई खिलाड़ो, क्या हाल है तुम लोग का। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हो आप सब। यार कॉल नहीं करो मुझे को, क्यों तुम लोग कॉल करते हो बीच में। यार मुझे तो समझ नहीं आती कसम। मुझे कॉल नहीं करो गाइस, मुझे कॉल नहीं करो। एक मिनट रुको, मैं चैट की तरफ आ रहा हूँ। दो मिनट रुको जरा, दो मिनट। यार मुझे कॉल नहीं करो, तुम लोगों को समझ नहीं आ रही है। एक दफा में बार बार कॉल कर रहे हो तुम लोग। मुझे कॉल नहीं करनी अब किसी ने। अच्छा जी, हम लोग जरा इसको एडिट कर लेते हैं। चलो जी, ओके हो गया। अच्छा जी, आ गए हम लोग अभी चैट की तरफ। हमजा शेख, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम ब्रो, कैसे हो आप। वालेकुम सलाम, ओविस पैको, वेलकम टू द स्ट्रीम। ओए सैयद मुर्जा, बार बार देखो, हजार बार देखो, देखने की चीज है। जी जी ब्रो, देख रहे हैं। रूम खेलना है ना ब्रो। कस्टम रूम नहीं हो रहे आज, स्क्रीम्स के रूम हो रहे हैं। ठीक है, रूम आईडी शेयर कर दी गई है, पासवर्ड शेयर कर दिया गया है ग्रुप में। ठीक है, जिस जिसकी टीम है जल्दी जल्दी आ जाओ। यार लानत है वैसे जोंग वालों पे, अगर तुम लोग तक मेरी आवाज पहुंच सकती है जोंग वालों, तो लानत है तुम लोगों पे। मेरी टीम नहीं है। नहीं नहीं ब्रो, आपने इंटर ही नहीं करवाया तो आपकी टीम कहाँ से होगी। हम लोग सबको बोलते रहे हैं जिसने स्क्रीम्स खेलना है अपनी टीम रजिस्टर करवाओ, लेकिन आप लोगों ने नहीं करवाई तो अभी माजरत चाहते हैं। ब्रो एसडी वालों में से पता नहीं कौन कौन है, एसडी वालों की क्लैन नहीं आई अभी तक, पता नहीं क्या स्टोरी है, अभी तक बंदे भी नहीं आए। जल्दी जल्दी आ जाओ यार, 15 मिनट बाद रूम स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, 4 मिनट हो गए हैं रूम बने हुए। फिर तुम लोग बोलते हो कि हम लोग का बंदा रह गया, उससे एग्जिट होगी तो 15 मिनट में रूम स्टार्ट हो जाएगा, अभी बता रहा हूँ आप लोग को।
ब्रदर, रूम आईडी और पासवर्ड ग्रुप में शेयर कर दिया गया है, वहां से देख के आ जाओ। स्ट्रीम पे पासवर्ड और रूम आईडी नहीं दिया जाएगा। अच्छा, मैं 1 मिनट के लिए रूम लीव कर रहा हूँ, मुझे रूम में दोबारा ऐड करना। मारखोर वालों की टीम आ चुकी है और दूसरी कोई भी टीम नहीं आई मेरे ख्याल से अभी, और एक बंदा माफिया वालों का आ चुका है। मैं रूम लीव करने लगा हूँ, मुझे ज़रा ऐड करना, मैं साउंड एडजस्ट कर लूँ। चलो जी, दोबारा रूम में ऐड करो मुझे बराए मेहरबानी। जोंग वाले ऐसे को लानती है ना, दो कार्ड मेरे इन लोगों ने जाया करवाए। एस खान, वेलकम टू द स्ट्रीम ब्रो, वेलकम, थैंक यू। या ब्रो, आई कम कम इनवाइट मी, आई विल कम कम। अरे ओ भाई, ये इमोट ही नहीं है गरीब बंदों, मैं कहाँ से करूं? मेरे पास ये इमोट नहीं है, क्यों तुम लोग गरीब का मजाक बना रहे हो? मैं मैसेज ही कर देता हूँ। ओ वैसे मैं आवाज नहीं हो को माइक ओपन नहीं कर सकता ना, इसीलिए मेरे मिराज दिन 12 बजे स्टार्ट होगा। नहीं, ब्रो 12 बजे, जी जी 12 बजे स्टार्ट होगा। हमजा वान सलाम, हमजा वान वेलकम टू स्ट्रीम, वालेकुम अस्सलाम। ये लेट होगा? नहीं नहीं ब्रो, लेट नहीं होगा, जो टाइम दिया गया उसी टाइम पे स्टार्ट हो जाएगा। 15 मिनट बाद रूम स्टार्ट हो जाएगा। तो जिस जितनी टीमें स्क्रिम्स खेल रही हैं, ग्रुप ए वाले जितने भी बंदे हैं, सारे जो है ना उसमें आ जाओ रूम में। इनवाइट करो मुझे उसामा भाई। ग्रुप बी वालों की शीट जो है ना कल सुबह अनाउंस की जाएगी, ठीक है? तो ग्रुप बी में जितनी भी टीमें, आज जिनका मैच नहीं है उनका मैच कल होगा, मैं दोबारा उन्हें बता रहा हूँ। जिनका आज मैच नहीं हो रहा उनका मैच कल होगा, तो कल आप लोग रेडी रहना प्लीज़। एसएन वाले आ चुके हैं। एसएन जो जो, मैं माजरा चाहता हूँ जानी, मैं तब तेरी रिक्वेस्ट नहीं था एक्सेप्ट कर सकता, मैं स्ट्रीम लगा रहा था, सॉरी।
माफिया वालों का स्क्वाड आ चुका है, मिस्टर वालों का आ चुका है, इसके बाद TX वालों का आ चुका है, K9 वालों का एक ही बंदा आया अभी तक। भाई जल्दी करो यार, फिर मत बोलना रूम स्टार्ट कर दिया गया, जल्दी करो। हमजा 1 Team 17 दिखाओ। जी ब्रो अभी दिखाते हैं Team 17। Team 17 DOD हारिस है, DOD शेबो है, इसके बाद DOD गुरु है, DOD विक्की ने भाई अपना वो लीव कर दिया। ब्रो अपनी स्लॉट में आओ, घूमते नहीं रहो रूम में, रूम स्टार्ट हो गया तो गलती से दूसरों की स्लॉट में ही आप चले जाओगे। जल्दी जल्दी करो गाइस, आ जाओ। जी जी ब्रो 12 बजे स्टार्ट होगा, जल्दी करो, जल्दी जल्दी आ जाओ, 12 बजे रूम स्टार्ट हो जाएगा। अरबाज हारून मार्वलस दिखाओ। जी जी ब्रो अभी मार्वलस दिखाते हैं। मार्वलस वालों की वो क्या है, स्लॉट नंबर क्या है, पासकोड। मीर बिलाल पासकोड, कस्टम रूम नहीं हो रही है, स्क्रीम्स हो रही है। पासकोड आपका रूम, मेरे ख्याल से स्क्वाड इंटर नहीं है स्क्रीम्स में। मार्वलस वाले किधर हैं यार, ये है भाई Team 8 में है। TX शेरी है, रैप्टर है, इसके बाद एक मिनास ग्रुप है। मेक श्योर गाइस स्ट्रीम को लाइक कर दो, फेसबुक पे शेयर भी कर दो स्ट्रीम को। Team 8 कौन है भाई, Team 8 जी जी ब्रो Team 8 ये ना मैंने देख लिया, Team 8 ये है। Team 8 के 3 बंदे आए अभी तक, इनका चौथा बंदा रहता है यार। ब्रो आपने इंटर नहीं करवाया, अभी क्या कर सकते हैं। मैंने उस दिन बताया भी है कि स्क्रीम स्टार्ट हो रही है, जिस दिन गिव अवे किया था मैंने उस दिन बताया भी स्क्रीम स्टार्ट हो रही है, मैंने सबको बताया था, लेकिन आप लोगों ने इंटर नहीं करवाई अपनी टीम। डब्ल्यू अहमद बोला था आपको बिलाल, जी जी ब्रो बिल्कुल मैंने बताया था सबको। KT9 वालों का पूरा स्क्वाड आ चुका है गाइस, जिसका स्क्वाड पूरा, जिसके स्क्वाड में 2 बंदे होंगे उसे किक कर दिया जाएगा। मेक श्योर के स्क्वाड में 3 बंदे खेले, स्क्रीम्स में 3 बंदे अलाउड होते हैं या 4 बंदे अलाउड होते हैं, 2 बंदे अलाउड नहीं होते। हारिस शाहिद Team 17, Team 17 ब्रो जी बिल्कुल, DOD वाले हैं, डू और डाई। लास्ट वाला मैच कौन जीता, लास्ट वाला मैच कौन जीता है इसके, ज़रा बताओ लास्ट वाला मैच कौन जीता है। अरबाज हारून वेलकम टू द स्ट्रीम ब्रो। हमजा 1 DOD क्लैन, जी जी ब्रो ये बिल्कुल DOD क्लैन Team 17, ये आपको शो हो रहा है स्ट्रीम पे, ये देख लो। अभी इंटर होगा ब्रो, आप जो है ना उसामा को मैसेज करके पूछ लो, वैसे तो रजिस्ट्रेशन कल रात को बंद हो गई थी, अभी को पता नहीं है वो रजिस्टर करता है कि नहीं करता। Team 7 का एक बंदा आया हुआ है सिर्फ, फ्लाई विलन, अगर 2 बंदे आएंगे तो भाई स्टार्ट नहीं होगा, मैं बता रहा हूँ आप लोग को, 3 बंदे होने चाहिए हद है। SK फर्स्ट मैच कौन जीता ज़रा, RDX, RDX Team 7 बताओ, Team 7 क्या था उनका, Team 7 बताओ मुझे ब्रो। आप लोगों को कल पता चल जाएगा कल वाला मैच कौन जीता है और उसके कितने पॉइंट्स थे। मार्वल बटी जी ब्रो Team 8 जीती है लास्ट वाला मैच, उन्होंने चिकन डिनर किया है, कल इसके पॉइंट्स अनाउंस होंगे तो फिर आप लोगों को पता चलेगा क्या स्टोरी है, कौन जो है ना कल ग्रुप B वालों के जो है ना मैचेस होंगे। ग्रुप B वाले अभी मेरी सुन लें, अगर वो लोग स्ट्रीम देख रहे हैं ग्रुप B वाले तो वो देख लें कि भाई कल जो है ना ग्रुप B के मैच स्टार्ट होंगे, तो मेक श्योर कि कल जो है ना टाइम से आ जाना, क्योंकि कल मैं 15 मिनट पहले स्ट्रीम स्टार्ट कर दूंगा। और सैनोक मैप है ये जी। SK थैंक यू यार, आपने बता दिया Team 8 जीती है भाई लास्ट वाला।
भाई 3 मिनट रह गए हैं, जल्दी करो, जल्दी जल्दी आ जाओ रूम में, 3 मिनट रह गए हैं, उसके बाद रूम स्टार्ट हो जाएगा, 3 मिनट के बाद रूम स्टार्ट हो जाएगा। शाहजेब ठीक है भाई, ओपी हो गया। जी, ब्रो ओपी हो गया, अभी आप लोग को सुनाऊंगा मैं ओपी। और गाइस जिसकी टीम को जो स्लॉट दी गई है वो उसी स्लॉट में आए, ठीक है ना, किसी और की स्लॉट में नहीं जाना, ना अपनी स्लॉट चेंज करनी है, ऐसे जो है ना पॉइंट टेबल बनाने में बहुत मुश्किल होगी फिर हम लोगों को। 2 मिनट बाद रूम स्टार्ट हो जाएगा, जल्दी जल्दी आ जाओ। यार ये रेंगल कर दे ब्रो, ये रेंगल नहीं, स्क्रीन्स में चारों मैप होते हैं, ठीक है, हर मैप में एक एक मैच होता है, डेली के 4 मैच होते हैं। स्लॉट नंबर 7 में है फ्लाई डैनियल, सेसी एंजल और फ्लाई विलन है। एसडी वाले नहीं आए, एसडी वाले नहीं आए, जो नहीं आए भाई उनका माइनस होगा और वो लोग स्क्रीम से बाहर हो जाएंगे, क्योंकि उनके पास प्लस पॉइंट्स नहीं होंगे तो फिर माइनस पॉइंट्स ही होंगे एक हिसाब के, तो वो स्क्रीम से बाहर हो जाएंगे। जल्दी जल्दी करो गाइज, 1 मिनट रह गया है, लेकिन फिर भी मैं आप लोग को 2 मिनट का टाइम देता हूँ, 12:02 पे रूम स्टार्ट हो जाएगा, जल्दी जल्दी आ जाओ। जिसका क्लैन रह गया है वो अपने बंदों को, जिसके बंदे रह गए वो अपने बंदे जल्दी जल्दी बुलाएं। और ये एसएन वालों को किक नहीं करना यार, इनके बंदे कंप्लीट नहीं है, इनके 2 ही बंदे हैं सिर्फ। एसएन वालों अपने बंदे बुलाओ यार, एक बंदे को और बुलाओ। 2 मिनट हैं गाइस, 12:02 पे आप रूम स्टार्ट हो जाएगा, 2 मिनट हैं आप लोग के पास। उजैर रूम स्टार्ट नहीं करना, 12:02 पे रूम स्टार्ट करना है आपने। जल्दी करो गाइस, 2 मिनट है आप लोग के पास, जल्दी जल्दी आ जाओ यार। बिलाल XD, सादी XD, ब्रो जल्दी करो यार, अपने बंदे पूरे करो, जल्दी जल्दी आओ। 2 मिनट, 1 मिनट रह गया, 1 मिनट बाद रूम स्टार्ट हो जाएगा। मैं आप लोग को फिर से बता रहा हूँ, 1 मिनट बाद रूम स्टार्ट हो जाएगा। जो नहीं आया फिर मुझे नहीं बोलना हम लोग का क्लैन पूरा नहीं था या वगैरह वगैरह। ये टीम नंबर 22 के 2 बंदे आए हैं, वेट करना इनके बंदे पूरे होने दो। टीम नंबर 22 के 2 बंदे आए हैं सिर्फ, वेट करना इनके लिए। ब्रो 2 बंदे अलाउ नहीं होते स्क्रिम्स में, मैंने आपको पहले भी बोला था भाई, 2 बंदे अलाउ नहीं होते। जिस जिसकी टीम रजिस्टर हुई थी मैं उसे बताता गया था, 2 बंदे अलाउ नहीं होते स्क्रिम में। अपने बंदे बुलाओ ब्रो, जल्दी करो। जल्दी करो भाई, जल्दी जल्दी करो यार, रूम स्टार्ट करना है, जल्दी जल्दी करो। ये नंबर 1 कौन है इसकी भाई, टीम कौन सी है नंबर 1 की,
इजाज़ खान की कौन सी टीम है, इसे अपनी स्लॉट में बुलाओ यार। ये एक बंदा है, इसे क्या करना है, इसे जल्दी बताओ। ये स्टार्ट कर दो ब्रो, रुको 1 मिनट, ये टीम वन में कौन बैठा हुआ है यार। चलो भाई स्टार्ट कर दो, जो नहीं आया उसका हेडिक है, जो नहीं आया उसका हेडिक है। स्टार्ट कर दो, रूम स्टार्ट कर दो। टीम 22 1 मिनट, टीम 22 में कौन है? यार ये कौन, टीम 22 में कौन है यार? XD वालों अपने बंदे को बुलाओ यार, वो ऊपर था, इस टीम स्लॉट वन में था इसीलिए उसे किक कर दिया। यार रूम एग्जिट नहीं करो, स्टार्ट कर दो, रूम स्टार्ट कर दो, रूम स्टार्ट कर दो, उज़ैर रूम स्टार्ट कर दो। गुड हो गया, जी ब्रो थैंक यू रूम स्टार्ट करने के लिए यार। आज ऐसा दिमाग खराब किया है ना मेरा जोंग वालों ने कि मत पूछो यार, कसम है इन लोगों ने मेरा बहुत दिमाग खराब किया है, सर दर्द होना स्टार्ट हो गया मेरा। SD विजार्ड भाई हमारा मैच कल है। अच्छा चलो ब्रो थैंक यू, आप लोग का मैच कल है तो ठीक है, गुड है, क्योंकि मुझे नहीं पता, मैंने देखा ही नहीं है। ब्रो मुझे नहीं पता आप लोगों का मैच कल है कब है, आप लोगों को ग्रुप में वो ग्रुप ए की शीट शो की गई थी, उसमें अपना क्लैन स्क्वाड देखो, अगर आप लोग का स्क्वाड का वहाँ नाम था तो ठीक है, नहीं था तो मतलब आप लोग का रूम का वो कल होगा। मैप ओपन नहीं करूँगा मैं, बूट कैंप में तकरीबन जो है ना टीम नंबर 18 है, ठीक है, और टीम नंबर 17 है यहाँ पे। टीम नंबर 17 अकेली है भाई यहाँ पे बूट कैंप पे, और कोई भी नहीं है। जी ब्रो यहाँ जो है ना POQ अत्तल को भाई डाउन करके क्लियर कर दिया गया है भाई, दो बंदे थे इनके, इनको दोनों को डाउन करके DRG गॉड और उनके टीममेट की तरफ से डाउन करके क्लियर कर दिया गया है भाई, बहुत अच्छे। जी, ये लौंडे इधर लूट कर रहे हैं, लौंडे लूट करके फिर रश करेंगे, लेकिन उन लोगों ने DOD डू और डाई वालों ने भाई रश कर दिया है इन लोगों पे, TTP ले रहे हैं DOD विक्की। लोंडे को M4 मिल गई है इधर, DOD वालों के कितने, DOD वालों का भाई स्क्वाड पूरा है यहाँ पे, इन लड़कों का स्क्वाड पूरा है, बाकी और टीम नंबर 70 की टीम नंबर 19 के साथ फाइट हो रही है यहाँ पे। और यहाँ पे सेसी एंजल फ्लाई विलन SN मोजो है, फ्लाई विलन ने SN मोजो को डाउन कर दिया है और क्लियर भी कर दिया है। जी जी भाई बहुत अच्छे गाइस, बहुत ही अच्छे,
लास्ट गेम में इनके साथ काफी बुरा हुआ है, मैंने सुना है। इनको जो है ना पता भी नहीं चला, हमें कोई ग्रुप लिस्ट नहीं मिली। कहाँ पोस्ट की है आपने ब्रो? ग्रुप में पोस्ट की है ब्रो, ग्रुप में पोस्ट की है। हमाद को बोलना मुझे नंबर पे मैसेज करे, मैं उसे ऐड कर दूंगा ग्रुप में। अच्छा जी, टीम बूट कैंप की तरफ चलते हैं। टीम नंबर 17 है और टीम नंबर 18 है। टीम नंबर 17 के एक बंदे को काफी डैमेज दिया गया यहाँ टीम नंबर 18 की तरफ से। मेरे ख्याल से नॉकआउट कर दिया गया था। मार्कोर ग्रुप में ऐड हो, लेकिन मार्कोर गेमिंग स्क्रिम्स वाले ग्रुप में आप ऐड नहीं हो। ये चारों लड़के इधर बैठे हुए हैं, पता नहीं किस चीज का इंतजार कर रहे हैं। जी भाई, डीओडी आरएस को काफी अच्छा डैमेज दिया गया है यहाँ पे डीआरजी हंट की तरफ से। टीम नंबर 10 मिस्टर जॉन जो है ना, किधर घूम रहा है भाई तू? दो अकेला ही घूम रहा है। अच्छा, अपने बंदों की तरफ? नहीं, पूरी है इनकी स्क्वाड, पूरी है। ओमेगा के को हम लोग स्पेक्टेट कर रहे हैं। लोंडा वीएसएस चला रहा है, बहुत अच्छी डैमेज दी है इसने। जी भाई, बहुत अच्छे ओपी। और कहीं पे फाइट नहीं हो रही फिलहाल, सब लोग अभी लूट करके वो बूट कैंप की तरफ ही आएंगे, क्योंकि पैराडाइज में कोई स्क्वाड नहीं गया हुआ। पैराडाइज ऐसे ही खाली पड़ा हुआ है। डीओडी आरिस को काफी अच्छा डैमेज दिया गया है। एकेएम पड़ी हुई है छत पे, एकेएम लवर्स। टीम नंबर 19 एसएन जोजो और एसएन मोजो भाई अलग अलग उतरे हुए थे। तुम लोग क्या कर रहे हो यार? स्क्रीन में ऐसे थोड़ी होता है, यहाँ कोई एक बंदा नॉकआउट होता है उसे पूरा कर देते हैं ये लोग। भाई तुम लोग इसे लाइट लेके नहीं खेलो। टीम नंबर 10 बूट कैंप की तरफ मूव कर रही है। टीम नंबर 5 और 11 की फाइट होने वाली है, ये लोग आमने सामने होने वाली है, क्योंकि टीम नंबर 5 ने जो है ना भाई फ्लेयर चलाई हुई है लोंडो ने। क्या बात है, मैड डैडी है, जनरल अली मलक है, इसके बाद एडी वाइश। एडी वाई है, शरियार है। भाई माफिया थग ने मैड डैडी को डाउन कर दिया है। बहुत अच्छे गाइस, बहुत ही अच्छे भाई, बहुत ही अच्छे। माफिया लेजेंड ने डैडी को, मैडी को, सॉरी, और मैडी है, डैडी नहीं है किसी का, ये मैडी है। मैं भूल गया, मैं नाम ही नहीं सही पढ़ा, ऐसा कुछ सर दर्द हो रहा है। जी भाई, बहुत अच्छा स्प्रे, बहुत ही अच्छा स्प्रे गाइस। ओमेगा के ने भाई बूट कैंप में एक बंदा जनरल मलिक ने माफिया लेजेंड को डाउन कर दिया है। माफिया क्लियर करने की कोशिश कर रहे हैं, बूट कैंप की तरफ चलते हैं। वहां क्या चल रहा है? यहाँ भाई लोंडे आ चुके हैं साइड वाले। भाई डीआरजी गॉड को डाउन कर दिया है भाई। ओ माय गॉड, जी भाई क्लियर कर दिया गया है भाई, बहुत अच्छे भाई। डीओडी वालों ने भाई ये स्क्वाड ही क्लियर कर दी, बहुत अच्छे भाई, बहुत ही अच्छे भाई। फाइट हो रही है, ड्रॉप पे चलते हैं। KT9 वन शॉट को भाई क्लियर कर दिया गया, इनके दो बंदे डाउन है। और भाई केटी पिकाचू ने भाई एक बंदे को क्लियर, स्क्वाड ही क्लियर कर दिया है। एक बंदा के उसने छोड़ा ही नहीं कुछ, लेकिन इनका भी एक बंदा डाउन हो चुका है, इनके तीन बंदे बचे हैं। माफिया ओपी वालों ने भाई इधर बहुत ही अच्छा गेम प्ले किया है, बहुत ही अच्छा गेम प्ले किया है गाइस। जी, पीछे से थर्ड पार्टी कर दिया था इन लड़कों ने।
थर्ड पार्टी करके एक टीम ले गए हैं, टोटल टीम के लिए इनके चार बनते हैं। मारखोर वाले भाई बूट कैंप की तरफ आ चुके हैं, वहां टीम नंबर 17 है। मारखोर सैयद भी हैं भाई, टीम नंबर 17 ने बूट कैंप में भाई डेरा ही जमा लिया है डू और डाई वालों ने। एसएन जोजो भाई पीछे से आ रहे हैं इन पे रश करने के लिए, बहुत अच्छे। कौन है भाई इनको खा लिए थे? मारखोर वाले भाई बूट कैंप की तरफ मूव कर रहे हैं। एसएन जोजो भाई सोलो रह गया है, ये टीम नंबर 19 का सोलो बंदा रह गया है जो कि यहाँ पे लूट कर रहा है कि पता नहीं क्या कर रहे हैं यहाँ पे। मारखोर वाले पता नहीं क्या कर रहे हैं इधर, गर्मी हो गई है, मेरे मोबाइल का टेम्परेचर हाई हो जाता है, पता नहीं क्या जलालत है। कसम में सर्दी सही है, मुझे तो सर्दी पसंद है, सर्दी में खुद खुद भी बंदा ठंडा रहता है, ठीक है, पंखे से शोर आता है। फिर कौन आ रहा है भाई? और टीम नंबर 7 और 10 और 5 आमने सामने होने वाले हैं। टीम नंबर 7 में फ्लाई विलन है, फ्लाई स्नेक है, फ्लाई दानियाल है, डैनियल है सॉरी, और सैसी एंजल है। इन लोग के टोटल टीम की एक है भाई, क्यों तुम लोगों ने एक ही बंदा मारा है? टीम नंबर 10 इनके सामने आने वाली है भाई। लौंडे भाई कैंपिंग करके बैठ गए हैं इस पे। चार पूरे हैं इनके की टीम किल जीरो है। फ्लाई स्नेक इन लोगों को भाई पता नहीं है इधर बंदे हैं, वैसे ड्रॉप में है क्या? एसएन जोजो ने भाई क्या बात है, एसएन जोजो ने एक बंदा डाउन कर दिया यार। जीजी बहुत ओपी गेम प्ले ब्रो, और उसे क्लियर भी कर दिया गया है, सन जोजो को क्लियर कर दिया गया है। मारखोर वाले आ चुके हैं भाई इधर। चिट्टा चोला सीवे दर्जी, दर्जियों की मौज है भाई, उनकी दुकानें खुल गई हैं लॉकडाउन में भी। मारखोर वाले भाई मूव कर रहे हैं आगे की तरफ। मारखोर सैयद काफी क्लोज एनकाउंटर के लिए आ गए हैं डू और डाई वालों पे। ये 2v4 हो गया, अभी देखो ये लौंडे क्या करते हैं इधर, क्योंकि इनके चारों जो प्लेयर है चारों प्लेयर हरामी है भाई, बहुत ओपी खेलते हैं ये लोग। और उसके बाद टीम नंबर 17 के सिर्फ दो ही बंदे हैं यार, ग्रेनेड किया गया भाई, निकलो इधर से लौंडो। ओ जी जी भाई, बहुत ही ओपी स्प्रे दिया उसामा ने, लेकिन बच गया ये बंदा, अंदर हो गया। मारखोर उजैर भाई रश करने की कोशिश कर रहे हैं, ग्रेनेड किया गया मारखोर उजैर की तरफ से, लेकिन भाई बंदा नहीं नॉकआउट हुआ। मारखोर उजैर काफी क्लोज आ चुके हैं उनके। ओ जी जी भाई, मारखोर उसामा को डाउन कर दिया गया है, उजैर ने भाई रश कर दिया। केटी पिकाचू ने टी और क्यू वालों के एक बंदे को भाई डाउन कर दिया। जी जी भाई, बहुत ओपी स्प्रे भाई, जी जी बहुत अच्छे मारखोर सैयद, बहुत ही अच्छे भाई, जी जी। टीम नंबर 15 की तरफ चलते हैं, KT9 है भाई यहाँ पे। इन लोग के टोटल टीम किल चार बनते हैं। यहाँ तीन तीन टीमों की फाइट हो रही है गाइस। माफिया लेजेंड ने को डाउन कर दिया गया है ARD वालों की तरफ से। कहाँ फाइट कर रहे हैं ये लौंडे? केटी वाले भाई बहुत अच्छा खेलते हैं, बहुत ओपी खेलते हैं ये लड़के। जी फ्लाई स्नेक ने भाई एक बंदे को डाउन कर दिया, फहीम को। बहुत ही अच्छा स्प्रे ब्रो, बहुत ही अच्छा ओपी स्प्रे। टीम नंबर 22 की फाइट हो रही है भाई XD वालों की।
ओ जी जी भाई, बहुत ही ओपी भाई, मिनाज ने एक बंदे को डाउन कर दिया है। टीएक्स शहरी ने भाई क्लियर कर दिया है, टीएक्स शहरी ने क्लियर कर दिया है, और टीएक्स शहरी बचे हैं, और उनका एक और लड़का जो एक लौंडे को रिवाइव कर रहा है, और पीछे से जोन भी आ रहा है इनकी तरफ, और एक बंदा यहाँ नॉकआउट है इजाद, इसको क्लियर कर दो भाई। टीम नंबर 7 को क्लियर कर दिया गया है यहाँ पे। नहीं, टीम नंबर 7 अभी है भाई, टीम नंबर 7 एडीवी शहरी ने KT9 उमर को भाई डाउन कर दिया है, बहुत ही अच्छे भाई। थर्ड पार्टी हो गया यार इनसे, फ्लाई स्नेक को भाई डाउन कर दिया गया है। जी जी भाई, बहुत ही अच्छे। जी जी सैसी एंजल ने भाई दो बंदों को डाउन किया है, और जी जी भाई टीम नंबर 7 ने ये क्लैन वो स्क्वाड क्लियर कर दिया है, बहुत ही ओपी गाइस। इनका एक बंदा नॉकआउट है, टीम नंबर 5 टीम नंबर 15 की तरफ रश कर रही है, लेकिन वो लोग फॉल बैक कर रहे हैं पीछे, क्योंकि ओपन रिज है यहाँ पे, बहुत ही गंदी फाइट होती है गाइस, क्योंकि कवर कोई भी नहीं होता, जो आपको पेलेगा वो पूरा करके पेलेगा, ऐसे नहीं छोड़ेगा। टीम नंबर 5 काफी क्लोज आ चुकी है इनके, टीम नंबर 5 के साथ यहाँ बुरी हुई है, इनके काफी किल जो है ना खा लिए गए हैं टीम नंबर 7 की तरफ से। KT9 और टीम नंबर 5 आमने सामने, टीम नंबर 8 और 7 ने पीछे से जोन में आना है, शायद टीम नंबर 8 को यहाँ पे टीम नंबर 7 जो है ना पकड़ ले भाई, क्योंकि इन लड़कों की हेल्थ बहुत ज्यादा लो है, लेकिन जोन रुक गया है भाई, एडवांटेज है इन लोगों को जोन में जाने का, जोन रुक गया है, टीम नंबर 7 जोन की तरफ मूव कर रही है, फ्लाई विलन है, इन लोग के टोटल टीम किल 5 है। जी जी ब्रो, बहुत ही अच्छे, किसको स्प्रे दे रहे हो भाई? रैप्टर ने फ्लाई स्नेक को डाउन कर दिया है। जी जी ब्रो, बहुत ही ओपी स्प्रे जानी, बहुत। जी जी ब्रो, फ्लाई विलन को डाउन कर दिया, फ्लाई विलन ने रैप्टर को डाउन कर दिया यहाँ पे AWM के बहुत ही प्यारे से शॉट से, फ्लाई डैनियल ने रैप्टर को क्लियर कर दिया, ओपी। बाकी इसके लौंडे किधर है यार? बाकी टीएक्स चैरी एआरडी मिनास ग्रुप, ये बाकी 3 किधर हैं जो अलाइव है? अच्छा पीछे हैं ये लोग, पीछे हैं ये लोग, इन लोगों ने जोन क्रॉस करना है, और जोन भी चल चुका है यहाँ से भाई, बहुत ही गंदी फाइट होगी, क्योंकि जोन बहुत छोटा है और टीमें बहुत ज्यादा हैं। बहुत बिलाल, टीम नंबर 22 का एक ही बंदा रह गया है, बिलाल XD जो पीछे से आ रहा है भाई। टीम नंबर 5 और 5 टीम नंबर 15 और 5 ने बहुत अच्छा जोन पकड़ा हुआ है, टीम नंबर 7 जोन के बहुत पास पहुंच चुकी है, लेकिन ये लोग रिज से ऊपर जा रहे हैं, तो इन्हें काफी गंदा स्प्रे यहाँ दिया जा सकता है, और इनकी जो है ना टीम को डाउन किया जा सकता है यहाँ पे भाई। फ्लाई विलन ने TX चैरी को बहुत अच्छा स्प्रे दे के डाउन कर दिया है। अभी टीम नंबर 8 का एक ही बंदा बचा है भाई, मिनास ग्रुप, अभी देखें यहाँ पे क्या होता है, क्योंकि जोन बहुत छोटा है। अभी मारखोर वाले भी हैं टीम नंबर 5 में, मैडी भी है, और KT9 वाले भी हैं भाई, टीम नंबर 7 फ्लाई वाले भी हैं, और मारखोर वाले भाई आ गए हैं जोन में। मारखोर सैयद ने भाई DS क्रशर को डाउन कर दिया भाई। जी जी बहुत ही ओपी, मारखोर सैयद को डाउन कर दिया गया है। जी भाई बहुत ही ओपी, फ्लाई विलन ने मार्क और सैयद को भाई डाउन कर दिया है, थर्ड पार्टी कर दी है लोंडो ने, मार्क और अंश को डाउन कर दिया, सॉरी थर्ड पार्टी कर दी है इन लोगों ने, बहुत ओपी शॉट दिए जा रहे हैं फ्लाई विलन की तरफ से, लेकिन इन्हें नहीं पता कि यहाँ एक टीम और भी है, और इनके एक बंदा जो नॉकआउट हुआ था वो रिवाइव हो गया है, और इनकी टीम पूरी है अभी यहाँ पे। जी जी बहुत ही ओपी, सामा को कोई स्प्रे दे रहा है, लेकिन उसे समझ नहीं आ रही इस टाइम। मार्क और उजैर भाई पीछे आ गए हैं,
फ्लाई विलन को भाई मार्को जहर ने डाउन, मार्को जहर को डाउन कर दिया गया फ्लाई विलन की तरफ से। जी, बहुत ओपी स्प्रे उसामा की तरफ से। जी भाई, जी, क्या बात है उसामा। जी, ओ भाई थर्ड पार्टी हो गया भाई यहाँ पे, और मार्कोर वालों को क्लियर कर दिया गया। जी, बहुत अच्छे। आरडीएक्स डैडी ने भाई, आरडीएक्स डैडी ने थर्ड पार्टी कर दिया था। एडीवी शहरयार ने भाई विलन को डाउन कर दिया है और क्लियर ही कर दिया भाई लौंडे को। किधर हैं ये लोग? अच्छा ऊपर फाइट कर रहे हैं यार, इन लोग के पास अच्छा एडवांटेज है यार। ये देखो आरडीएक्स डैडी ने फ्लाई डैनियल को डाउन करके क्लियर कर दिया है भाई। ये लोग बुरा फंस गए हैं। कैसी एंजल को बहुत ओपी स्प्रे आर एन क्रशर की तरफ से, और इसका किल चोरी हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि ओ भाई हो गया किल चोरी, ऑलरेडी किल चोरी हो चुका है। और सेवन, टीम नंबर सेवन को क्लियर कर दिया गया है। आरडीएक्स डैडी एडीवी शरियार को क्लियर कर दिया एआरडी वालों की तरफ से। एआरडी वाले यार बहुत ओपी खेल रहे हैं, 7 किल हैं इन लौंडों के। देखो गाइस अभी चिकन डिनर कौन लेके जाता है, लेकिन जो टीम नंबर 16 नीचे है वो बहुत गंदा फंसेगी। टीम नंबर 22 जोन की तरफ आ रही है, और लेकिन मेरे ख्याल से टीम नंबर 16 की तरफ जोन बन गया। अभी सबको नीचे जाना पड़ेगा भाई, सबको ही नीचे जाना पड़ेगा, और यहाँ से जंप कौन करेगा यार? क्या हो गया है? तुम लोग तो फंस गए हो गाइस, तुम लोग तो बुरा फंस गए हो। बिलाल एक्सडी एक ही बंदा रह चुका है भाई इनका, ट्विन मोड 22 का। अभी देखो क्या होता है। मेरे ख्याल से इस बंदे मिनास को भाई आ चुका है, टीम नंबर 8 का ये बंदा रह चुका है। ये भी सोलो ही है और वो भी सोलो ही है, लेकिन अभी इन लोगों ने जो जोन के अंदर जाना है उसकी टेंशन है, क्योंकि ओ भाई जोन के अंदर जाना है गाइस। तुम लोगों ने पहुंचो जोन के अंदर, पहुंचो। राज भाई 10 किल टीम ब्रो, अभी देखते हैं किसके कितने किल हैं। रुको मैं वाकई नोट भी कर लूं यार, तुम लोग के किल शिल में नोट कर लूंगा मैं जरा कॉपी पेन से। ओ भाई जी, बहुत अच्छा स्प्रे दिया गया भाई। जी भाई क्या बात है, मिनास ने भाई क्या स्प्रे दी है भाई, ओपी सलूट है जानी तुझे। ओ जी भाई, जी, बहुत ही ओपी स्प्रे। ओ भाई क्लियर कर दिया है। KT9 पिकाचू भाई बहुत ही ओपी खेलता है ये बंदा, है या बंदी ये मुझे नहीं पता, लेकिन भाई क्या स्प्रे दिया था उस बंदे ने, मिनास ने M762 का बहुत ही ओपी स्प्रे दिया था भाई। टीम नंबर 16 और टीम नंबर 15 भाई बची हैं जोन में, अभी देखो यहाँ पे क्या होता है। जी ब्रो, विलन स्कलैन नाज, हेलो उसामा भाई, ब्रो वेलकम टू द स्ट्रीम। हेलो कैसे हो आप, खैर खैरियत से हो? मैं खीजर। जी ब्रो खीजर, थैंक यू ब्रो यहाँ आने के लिए। यार ये क्या होगा यहाँ पे, अभी ये लोग कैसे मारेंगे एक दूसरे को, मुझे ये तो बताओ जरा। ये तो बहुत अजीब सा किस्सा हो गया है। यहाँ तो ये लोग जंप करके मर जाएं, क्योंकि इन लोग के पास तो हेल्थ वगैरह भी कम होगी। ये देखो गाइस ये क्या चूतिया पा हो गया यार। ओ जी भाई, इन लोग के पास बहुत अच्छा एडवांटेज है, ऊपर से स्प्रे दे रहे, और स्प्रे भी तो कोई अच्छा दो ना। ओ भाई पिकाचू ने शाम को भाई डाउन कर दिया है, शम्स को, सॉरी शाम नहीं शम्स है यार। और यार किधर जंप, ओए जोन आ रहा है पीछे से लोंडो पे, और इनके पास हेल्थ वगैरह भी पता नहीं है कि नहीं। ग्रेनेड करो जानी, इन लोगों पे ग्रेनेड करो, बमबारी कर दो इन पे, बमबारी कर दो। बिल्कुल ब्रो, जो भी स्ट्रीम पे नए आ रहे हैं लाइक और सब्सक्राइब। अच्छा है भाई यहाँ पे, ये देखो अभी क्या होता है। भाई तो फंस गया, गंदा फंस गया भाई, गंदा फंस गया। गाइस स्ट्रीम को लाइक कर दो यार, स्ट्रीम को लाइक कर दो, नाइस कमेंट्री
अमार भट्टी ब्रो, वेलकम टू द स्ट्रीम जानी। थैंक यू, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, स्ट्रीम को शेयर कर दो। और जी जी भाई, बहुत ही कुत्ता स्प्रे, क्या बात है, वो भी ग्रो। अच्छा क्यूबी जी है, मुझे लगा ग्रोगा उठाई है। ओ जी जी भाई, क्या बात है लंडे तेरी, पूरा करा पूरा कर, तुझे पॉइंट मिलेगा। जी जी क्या बात है यार, इस बंदे का बहुत ओपी स्प्रे इसको मैं। ओ भाई ले गए, ले गए भाई ले गए, नहीं छोड़ा इन लोगों ने, जालिम लोग हैं ये लोग, किधर छोड़ते हैं। अच्छा जी, अभी हम लोग यहाँ करेंगे टीम नंबर, ओ सॉरी पॉइंट्स करेंगे। क्या पॉइंट्स है सबके, अभी पता चल जाता है। टीम 12 है। अच्छा जी सॉरी, मैं एक मिनट रुको, लाइट ऑन कर लूँ यार, एक तो मुझे भी अंधेरे में बैठने का शौक है, अजीब से शौक पाल रखे हैं तुम लोग के भाई ने। हाँ भाई जी जी ब्रो, जी जी बहुत ही अच्छा गेम प्ले गाइस। टीम 11 के भाई माफिया वालों के कितने किल हैं? सॉरी टीम 12 के भाई दो किल हैं, एक ओमेगा केके की तरफ से दो किल किए गए और डीआरजी हंट की तरफ से एक किल किया गया। माफिया वालों के भाई यहाँ पे एक ही किल है। क्यों यार गाइस, क्या कर रहे हैं तुम लोग, मक्खियां मार रहे थे हाँ? टीम नंबर 10 की तरफ चलते हैं भाई। टीम नंबर 10 के कितने किल हैं? टीम नंबर 10 SN जोजो है, QO TOQ अतल है, इनका भाई एक ही किल है। बहुत अच्छे भाई, बहुत ही अच्छे। 9 टीम नंबर 9 DOD वाले हारिस विक्की और गुरुजी हैं, इनके टोटल टीम किल हैं 3। टीम 8 भाई, टीम 8 किधर गई? टीम 8 मिस्टर जॉन लेजेंड जाहिद है, ठीक है। एक मिनट रुको, मैं चैट नहीं पढ़ रहा, तुम लोग की चैट नहीं, अभी क्या मैसेज किए मुझे नहीं पता, रुको मैं देखता हूँ। टीम 8 के टोटल किल हैं भाई 0। जियो भाई बहुत अच्छे, बहुत ही अच्छे, बहुत अच्छे, कोई एक आधा मार लेते को। टीम नंबर 7 मारखोर वालों की है भाई, कितने किल हैं इनके? 2 किल हैं भाई टोटल इनके। टीम नंबर 6 है विलन क्रिमिनल वालों की, इनके टोटल भाई 10 किल हैं। जी जी भाई बहुत ही ओपी गाइस, बहुत ओपी गेम प्ले यार। टीम नंबर 5 के कितने किल हैं भाई? 3 किल हैं। चलो गाइस तुम लोग नेक्स्ट रूम बनाओ, मैं आ रहा हूँ। टीम 4 हो गई, टीम 3 के भाई टोटल किल हैं 7। जी जी बहुत अच्छे, टीम 4-0, टीम 3 जो है ना इनके टोटल किल हैं 7। बहुत अच्छे गाइस, बहुत ही अच्छे। केटी वालों के भाई टोटल किल हैं 8 किल हैं भाई इन लोग के। और टीम 1 के जो है ना टोटल किल 5 है। चलो गाइस आ जाओ, लिख लिए मैंने, आजो आजो आजो। अच्छा जी किधर गए? थैंक्स ब्रो, ब्रो थैंक यू आपका यार, आप यहाँ आगे। टीम 11 पॉइंट्स कितने हैं ब्रो? पॉइंट्स आपको ग्रुप में बता दिए जाएंगे, पॉइंट्स आपको ग्रुप में बताए जाएंगे, यहाँ नहीं बताए जाएंगे। यहाँ फिर सब लोग मुझसे पूछेंगे हमारे पॉइंट्स कितने हैं, यहाँ नहीं बताऊँगा। टीम के पॉइंट्स हैं ना आपको ग्रुप में बताए जाएंगे। ये हो गया आपका मैच 2। हारिश यार DOD के कितने पॉइंट्स है ब्रो? DOD के पॉइंट्स आपको ग्रुप में बताए जाएंगे, लिस्ट आ जाएगी आप लोग को, पता चल जाएगा DOD वालों के कितने पॉइंट्स हैं, ग्रुप में शेयर हो गए पॉइंट। जी जी ब्रो, नेक्स्ट आईडी सेंड कर दो ब्रो, अभी सेंड कर रहे हैं नेक्स्ट आईडी। वेट
अभी हम लोग मैच 3 लगाएंगे। मैच 3 में भाई मैप है मीरामार। गाइस मैं आप लोग को बता दूं कि स्क्रीम्स में चारों मैप खेले जाते हैं, चारों मैप खेले जाते हैं, तो मेक श्योर कि आपके सब मैप डाउनलोड हो। फिर मुझे नहीं बोलना हम लोग के मैप डाउनलोड नहीं है तो आपने बताया नहीं हमें, ठीक है ना। विलन यार, विलन वेलकम टू द स्ट्रीम जानू, थैंक यू, लव यू। स्ट्रीम शेयर कर दे यार फेसबुक पे, यहाँ शेयर नहीं होंगे। जी जी ब्रो, उसामा बोल रहा है यहाँ पॉइंट्स शेयर नहीं होंगे। इंशाल्लाह कल आपको पॉइंट्स मिल जाएंगे, और कल जब टी ग्रुप बी का मैच होगा उससे पहले आपको पॉइंट्स मिल जाएंगे। आप लोगों ने टेंशन नहीं लेनी, रूम बन रहा है, रूम आईडी आपको, रूम आईडी और पासवर्ड जो है ना वो भी आपको ग्रुप में शेयर किया जाएगा, क्योंकि उससे ये होता है कि कोई रैंडम प्लेयर नहीं ऐड होता। फिर मेक श्योर गाइस कि आप लोग यार टाइम की थोड़ी सी पाबंदी करो। फर्स्ट मैच में मुझसे थोड़ी गलती होगी, थोड़ा मसला चल रहा था इसलिए स्ट्रीम स्टार्ट नहीं थी हो रही, ठीक है, माजरा चाहता हूँ, सो सॉरी अबाउट दैट। मैं आप लोग का मैच और फाइट नहीं दिखा सका, आप लोगों ने सब ने बहुत अच्छी फाइट की होगी उसमें, लेकिन ये है कि जब स्ट्रीम स्टार्ट हो जाती है तो सब कुछ टाइम से होता है, क्योंकि मैं यहाँ देख रहा होता हूँ। जब स्ट्रीम नहीं होती लड़के कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, तो इसलिए जो है ना थोड़ा मिस बैलेंस हो जाता है यार, सॉरी। यार मेरी बात सुनो, रैंडम कैसे ऐड हो सकता है? यार मेरी बात सुनो, रैंडम जो भी ऐड होता है भाई स्ट्रीम में आके बताया करो कि ये बंदा रैंडम है हमारी स्क्वाड में, हम लोग उसे किक कर दिया करेंगे, ठीक है ना। जब भी कोई रैंडम बंदा ऐड होता है उसका बताया करो हमें। और रैंडम बंदा इतनी जल्दी ऐड नहीं हो सकता डीआरजी वालों, देखो उन्होंने मुझे किल। ब्रो बात ये है, आप लोग किसी की स्लॉट में नहीं जाया करो, जो आपको स्लॉट दी गई है लिस्ट में उस स्लॉट में रहा करो प्लीज़, किसी दूसरी की स्लॉट में मत जाया करो। और बात ये है कि रैंडम बंदे, अगर आप लोग किसी के साथ रूम आईडी पासवर्ड शेयर करोगे फिर रैंडम बंदे ऐड होंगे, और कोई भी नहीं रैंडम होगा। जी जी ब्रो, अभी नेक्स्ट होने लगा है। ब्रो मेरी बात सुनो, इसीलिए मैं आप लोग को बोलता हूँ कि जल्दी आया करो रूम में, क्योंकि आपकी स्लॉट में अगर कोई रैंडम बंदा हो तो उसे उसका हमें बता दिया करो, ये बंदा रैंडम है इसे किक कर दो, हमें फिर पता चल जाएगा कि कौन सी टीम में कौन सा रैंडम बंदा है। इसलिए बोलता हूँ ग्रुप में रूम में जल्दी आया करो, और अपने बंदे जो है ना, आप लोग की स्लॉट्स भी अच्छी बन जाएंगी, आपके बंदे भी पूरे हो जाएंगे अगर जल्दी आओगे। फिर रंडवा बंदा भी नहीं आप लोग के साथ ऐड होगा, तुम लोग तो खैर रंडवों से वैसे ही बहुत चिढ़ खाते हो। एक तो रंडवों से मैं बहुत तंग हूँ, ना खुद जीतते हैं ना किसी को जीने देते हैं। इन लोगों ने पाकिस्तान के सारे रंडवों की जो है ना मिट्टी पलीत की हुई है। जी जी ब्रो रंडवा। यार देखो ना, फिर शुगल होना चाहिए, फिर कहते हो बूटा गालां कढ़दा। आईडी शेयर कर दे ग्रुप में ब्रो, रूम बनता है आईडी शेयर हो जाएगी ग्रुप में, तब तक भाई के साथ गपशप मारो। लो जी रूम बन गया, आज रूम बन गया है। ओए ये क्या ओपन यार, लानती मोबाइल है कसम में, और पाकिस्तान का नेट उससे बड़ा लानती है। मुझे तो कभी कभी ऐसी तप चढ़ती है। ये दाऊद राज, मार्को राज को भाई किक करो, इसका मैच नहीं है। मार्को राज को रूम से किक कर दो, मार्को राज को रूम से किक करो ब्रो, रूम में जल्दी आया करो, और अपनी स्लॉट्स और अपने बंदों को बोलो कि जल्दी आए। अगर जल्दी आओगे सब कुछ जल्दी होगा, तो उसका ये मतलब होता है कि आप में आपकी स्लॉट में कोई रंडवा नहीं आएगा, फिर बातचीत करेंगे। अच्छा जी ब्रो बिल्कुल, आ जाओ आ जाओ रूम में, आ जाओ खुशबू लगा के आना। ये मार्को राज को किक करो यार इधर से। साडा चिड़िया दा चंबा विच घर खंबा, जल्दी जल्दी आ जाओ। उजैर मार्को राज को क्लिक कर दो, ओ सॉरी किक कर दो, उजैर मार्को राज को किक कर दो। इस बंदे का मैच नहीं है, इसकी टीम का कल मैच है।
यार इसको फोन करके बोल, इसको बोल तुम लोग की टीम का कल मैच है, अभी रूम से बाहर जाओ। सॉरी यार गाइस, ये मेरा ही छोटा भाई है, बस क्या करें अभी। चलो भाई जल्दी जल्दी आ जाओ। मार्कोर एस के एमुलेटर प्लेयर है ये, मेरे साथ स्पेक्टेड में है। इससे मुझे ये फ़ायदा होता है कि मुझे पता चल जाता है कोई चीटिंग तो नहीं कर रहा, टीम अप वगैरह या कोई हैक वगैरह तो नहीं यूज़ कर रहा। इसलिए एमुलेटर प्लेयर को मैंने जो है ना यहाँ रखा हुआ है, और एमुलेटर प्लेयर अलाउड नहीं है स्क्रीम्स में, ये मैं आप लोग को बता दूँ। एमुलेटर प्लेयर इज़ नॉट अलाउड इन द स्क्रीम्स। एमुलेटर प्लेयर वालों के अलग से स्क्रीम्स और टूर्नामेंट्स होते हैं, और इस स्क्रीम्स के बाद हम लोग एक और स्क्रीम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। उसकी 2 दिन तक रजिस्ट्रेशन ओपन होगी, जिस जिसने करनी होगी, मैं अभी बता रहा हूँ, 2 दिन तक रजिस्ट्रेशन ओपन होगी। कल ग्रुप बी वालों के मैचेस होंगे, ठीक है, उसके बाद फाइनल होगा। सबके पॉइंट्स देख के जितनी टीमें बचेंगी उनका फाइनल होगा। लाइवा परवेज वेलकम टू द स्ट्रीम, अ स्पेशल गेस्ट फॉर मी। डोडो दिखाओ, डीओडी दिखाओ। ओ सॉरी यार, मुझे लगा डोडो बोल रहे हो, डोडो मेरा भाई है। डीओडी के भाई टीम नंबर 17 डीओडी वाली है, और इसमें डीओडी गुरु आ चुके हैं, बहुत सेक्सी तस्वीर लगाई है इस बंदे ने। बस हाल ठीक है, सर दर्द बहुत ज़्यादा हो रहा है यार जोंग वालों की वजह से। ऐसी कोई गालियाँ खाई हैं ना जोंग वालों ने आज मुझसे, कि याद रखेंगे ने किसी ने फ़ोन किया था। हरामियों ने मेरे 2 कार्ड्स आया करवा दिए हैं, अपनी टुई में ले लिए, न्यू जोंग ऐप बना दी है। ऐसी कोई घटिया एप्लीकेशन है वो, मैं क्या बताऊँ तुम लोग को यार, कसम है। तुम आए जोंग ऐप तो क्यों कर रहे हैं सर? भी असी बहुत जेड़ा ना मॉडर्न होने की कोशिश करन डे हाँ। हाँ ना गाइस, बहुत मॉडर्न होने की कोशिश कर रहा था, मैंने बोला चलो गोरे ही एप्लीकेशन यूज़ करके रिचार्ज करते हैं, हम लोग भी करते हैं, हमें क्या पता हम लोग के यहाँ खाऊ बैठे हुए हैं। जोंग सब कह दो, मैंने फिर उन्हें सब कहा है आज, मैंने दिल खोल के जो जो मुंह में आया मैंने सब कह दिया आज, उन्हें मैंने सब कुछ बोल दिया जो जो मेरे दिल में आया सब कह दिया। जी जी ब्रो, मार्वल वाले आ चुके हैं, मार्वल भट्टी आ चुके हैं भाई रूम में। वेलकम टू द रूम ब्रदर।